लोगों को जब हम मिलते हैं तो ज्यादातर हम बिजनेस के अंदर देखते हैं धंधा करने वाला बंदा खुद ही अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है। और वो खुद जब धंधा शुरू करता है तो बहुत सारी चीजें वो खुद से करता है और बहुत सारी चीजों के अंदर वो खुद ही इन्वॉल्व रहता है। जब उस धंधे का स्केल अप होने की शुरुआत होती है तो होता ये है, अब उनको टीम की जरूरत पड़ती है और टीम को लेकर आने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्यादातर मामले में देखा यह गया है कि टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे डेवलप करना है, टीम को कैसे रिक्रूट करना है, टीम को किस तरीके से अपने धंधे के अंदर लेकर आना है, इन चीजों का नॉलेज न होने के कारण बहुत सारे लोग 10, 15, 25, 30 लोगों की टीम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ओवर बिजी रहता है। और उनके बिजी शेड्यूल के अंदर वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो टाइम स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर टाइम उनका चला जाता है लोगों को मैनेज करने के पीछे। और वो लोगों को मैनेज करने के लिए जो कला उनको विकसित करने की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर और आज का हमारा सेशन रहेगा टीम मैनेजमेंट को लेकर। टीम मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसको मैनेज करने के लिए हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। और उस मैनेजमेंट को ध्यान में रखने के लिए अब हमें करने की जरूरत क्या है उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि टीम मैनेजमेंट अगर हमें करना है और टीम के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वो हम करेंगे कैसे और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो टीम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल की गहराई से और दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज का मंडे का दिन है, सुबह 10 बजे का टाइम है, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को ओपन अप कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम यहां पर हैं मतलब हम अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और आज हम इस सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं जिसका नॉलेज मैं मेरे लेवल पर पिछले 15 साल के अंदर मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ मैं बांटने वाला हूं। और मैं ट्राई करूंगा कि मेरी जो लैंग्वेज रहती है उसको मैं इजी कन्वर्ट करूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं चीजों को कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर सभी लोग सबसे पहले एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग का भी एक मतलब होता है जो आज से 10 साल पहले मैंने एक सेशन के अंदर सीखा था। तो गुड मॉर्निंग कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हम मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, बिजनेस के अंदर अलग अलग जगह जब जाते हैं, तब हर जगह आपने देखा होगा कि सभी लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो गुड मॉर्निंग विश करने के पीछे का पर्पस ये होता है जो आज मैं आप लोगों को बांटना चाहूंगा। जितने ज्यादा लोगों को आप गुड मॉर्निंग करोगे उतना आपका फायदा है। जैसे कि गुड मॉर्निंग का मतलब ये निकल कर आता है गुड मोर अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये निकल कर आता है गुड मोर अर्निंग। आप अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोगों को अगर आप ये गुड मॉर्निंग विश करते हो, इसका मतलब ही ये होता है कि आप सामने वाले को विश कर रहे हो कि आप सबसे ज्यादा पैसा कमाओ। और अल्टीमेट ये निकल कर आता है, दुनिया का ये नियम है कि जो आप बांटते हो वो आपको मिलता है। तो डेफिनेटली जब भी हम बात करेंगे तो गुड मॉर्निंग विश करने के साथ ही करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर कितने लोग थे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जिसका एक समराइज कर लेते हैं, एक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट सेशन से इस सेशन को हम कनेक्ट कर पाए। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी पिछले सेशन के अंदर सीखने का महत्व क्या है। लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ है, क्योंकि लर्निंग के स्पेलिंग में से अगर एल को हटाया जाए तो अर्निंग निकल कर आता है। और आज पूरी दुनिया अर्निंग के पीछे भाग रही है। दिक्कत यह है जो अर्निंग के पीछे भाग रहा है वही कम कमा रहा है। तो आज के बाद आपका फोकस अर्निंग नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए लर्निंग, क्योंकि आपको जितना आता है उतना ही आपको मिलता है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने बात किया था माइंडसेट को लेकर। एक होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर 21वीं सदी में आपको अपने आप को डेवलप करना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना जरूरी है।
उसके बाद हमने छह बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया था, जो नॉलेज हर एक बिजनेसमैन को होना चाहिए, जिस नॉलेज को लेकर वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा, जो लास्ट सेशन में हमारे साथ कनेक्ट थे वो लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएं कि कितने नॉलेज के ऊपर हमने बात की थी। सबसे पहले हमने बात किया था सेल्फ नॉलेज, उसके बाद हमने बात किया था कंपनी नॉलेज, उसके बाद हमने बात किया था कॉम्पिटिटर नॉलेज, उसके बाद हमने बात किया था प्रोडक्ट नॉलेज, उसके बाद हमने बात किया था कस्टमर नॉलेज, और उसके बाद हमने बात किया था कॉम्पिटिटर नॉलेज। तो ये सारे नॉलेज जो है वो जब हमें अपने बिजनेस के अंदर मिल जाते हैं, तब जाकर एक सही रणनीति हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए विकसित कर सकते हैं। उसके बाद हमने आगे डिस्कशन किया था लीडरशिप मैनेजमेंट। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको लीडरशिप अपने अंदर विकसित करनी जरूरी होती है, और वो लीडरशिप विकसित करने के लिए उसका मतलब ये होता है कि लीडरशिप मतलब क्या, ही नोज द वे, ही गोज द वे एंड ही शोज द वे। ये तीन चीजें जो कर सकता है वही एक सर्वश्रेष्ठ लीडर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है जो जानता है कि मुझे जाना कहाँ है, जो ये जानता है कि मुझे लोगों को कहाँ पहुंचाना है, और जो ये कर लेता है कि लोगों को लेकर वहां तक पहुंच जाता है, वही एक सही लीडर कहलाता है। तो आपको अपने बिजनेस में अगर लीडरशिप विकसित करनी है तो बहुत सारी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, जैसे कि लीडर्स की आदतें। आज इंसान कामयाब होता है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कोई चीज होती है वो होती है उसकी आदत। और मैं बहुत बार सेशन के अंदर बोलता हूं कि आज अगर आप कामयाब है तो एक बार चेक कर लीजिए आपकी आदत कैसी है, आज अगर आप नाकामयाब है तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आज आपकी आदतें कैसी है, और आज अगर आप एवरेज इंसान रह गए हैं 5 साल 10 साल 15 साल एफर्ट करने के बाद भी, तब भी चेक कर लीजिए कि आपकी आदतें कैसी है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने तीन जोन के ऊपर बात की थी। सबसे पहला एक जोन होता है कंफर्ट जोन, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। कुछ लोग कंफर्ट जोन में से बाहर निकलकर पेन जोन के अंदर आते हैं, अपने आप को चैलेंज देते हैं, और कुछ लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे निकल जाते हैं और सक्सेस जोन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये दावा है, या मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा कि ऑलवेज आप अपनी जिंदगी के अंदर पेन जोन में रहना पसंद करो। प्रॉब्लम नहीं हो रही है धंधे के अंदर तो वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्रॉब्लम ना होना भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलवेज आपके पास नए नए प्रॉब्लम और नई नई चैलेंजेस होनी ही चाहिए। अगर वो है मतलब आप अपने धंधे को अच्छी तरीके से डेवलप। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं, ये लास्ट सेशन का रिव्यू हमने कर लिया एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी के साथ। ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता होगी लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो फिर से हम बात करेंगे कि जंगल के अंदर एक हाथी था। उस हाथी को उसका जो रखवाला था वो क्या करता था कि उसके पैर को एक रस्सी के साथ बांध देता था। तो बहुत साल के बाद जब वो हाथी एक बड़े स्वरूप के अंदर आ गया, और उसके बाद उसके लिए रस्सी, उसके लिए लकड़ी या उसके लिए कोई भी चीज इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती थी जितना वो खुद ताकतवर था कि वो चाहता तो थोड़ा सा पैर हिला के उस चीजों को वो ब्रेक कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों की उसकी प्रैक्टिस और इतने सालों का उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं फिक्स हो गया था अपने आप को लेकर कि ये रस्सी को जब मैं छोटा था बहुत बार मैंने उसको खींचने का प्रयास किया, बहुत बार उसे छूटने का प्रयास किया, तब वो रस्सी मेरे से नहीं छूट पाई, और उसी की वजह यह है कि आज उसका माइंडसेट बन गया है कि ये रस्सी तो मेरे से टूटने वाली है ही नहीं। धंधे के अंदर भी कई बार ये चीज होती है कि जब हम धंधे की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज्यादा माइंडसेट हमारे घर के एटमोस्फियर के साथ, हमारे सोसाइटी के एटमोस्फियर के साथ हमारा माइंडसेट बना गया होता है, और वो माइंडसेट क्या बन गया होता है, कई बार टीम को लेकर अपना माइंडसेट होता है, कई बार अपने आप को लेकर अपना माइंडसेट होता है, और कई बार धंधे के अंदर जो चीजों को हमें करने की आवश्यकता होती है लेकिन पुराना माइंडसेट बन गया होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर किया तो उनके फादर ने उनको बताया था, बेटा सब कुछ करना लेकिन गलना मत छोड़ना।
सब कुछ करना लेकिन गल्ला मत छोड़ना, इसका मतलब ये है कि कई लोग आज अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं लेकिन वो पुराना माइंडसेट बन गया है कि गल्ले पर तो वो खुद ही बैठेगी। तो ऐसे पुराने माइंडसेट को लेकर जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने जाओगे तो आज का वो जमाना रहा नहीं है कि हर चीज आपको खुद को करनी पड़े। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग अवेलेबल है जो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड है और आपसे बेहतर तरीके से आपके बिजनेस को वो डेवलप करके दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की चैलेंजेस ये आती है कि सर टीम मैनेजमेंट किया कैसे जाए, टीम मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, और टीम मैनेजमेंट अगर मुझे करना है तो वो मैं कर कैसे सकता हूं। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए आज हमने स्पेशल टॉपिक ही इस चीज के ऊपर रखा हुआ है, टीम मैनेजमेंट। मैं दोबारा से आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा, जितने भी लोग सेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो चुके हैं प्लीज आप लोग अपना डायरी और पेन अपने साथ ले लीजिए। उस डायरी और पेन के अंदर जो जो चीजों के ऊपर बातचीत होने जा रही है उन चीजों को आपको नोट कर लेना है। ये पूरा का पूरा सेशन जो है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको अवेलेबल हम करवा देंगे, पीपीटीज वगैरह भी अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन कुछ बातें लाइव जब हमारे माइंड में से निकल कर आती है उन बातों को अगर आप नोट डाउन करोगे अपने लेवल पर जाकर तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा टीम मैनेजमेंट क्या है। तो टीम मैनेजमेंट का एक सिंपल मतलब निकल कर आता है TEAM। TEAM का मतलब होता है टीम, और TEM का फुल फॉर्म होता है टूगेदर एवरीवन अचीव मोर। जहां एक से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और किसी एक एम के ऊपर, एक विजन के ऊपर काम करते हैं तो सभी लोग अपने ड्रीम और अपने सपने और अपने गोल और अपने विजन को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान अकेला चाहकर भी सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको अगर थोड़ा अंतर अगर दूर करना है या थोड़े अंतर तक अगर अपने आप को लेकर पहुंचना है तो उसको अकेला चलने की जरूरत है। लेकिन उस इंसान ने ठान लिया है कि उसको बहुत बड़ी मंजिल को हासिल करना है तो वो अकेला वहां तक जा नहीं सकता है, उसको अपने साथ लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। मतलब उसको अपने बिजनेस को बड़े स्केल के ऊपर अगर डेवलप करना है तो बकायदा उसको टीम डेवलप करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल डेवलप तो करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि सर टीम मैनेजमेंट का जो मतलब है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज उन लोगों को मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब होता क्या है। टीम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज एंड इंस्पायर एवरीवन टू परफॉर्म द टास्क फॉर वन विजन। इसका मतलब ये होता है कि टीम मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि हर बंदे, जैसे कि पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, वैसे टीम में काम करने वाले सभी लोग एक जैसे होते नहीं हैं। तो आपको सभी लोगों की इंडिविजुअल एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, मतलब उनके अंदर क्या विशेषता है उसको आपको बाहर निकालना है और उन सभी लोगों को इकट्ठा करना है मुट्ठी की तरह और उनको एक विजन देना है और वो विजन के साथ उनको अलाइन करना है। सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत ज्यादा लॉजिक में न जाते हुए, तो टीम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है आपकी टीम में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पर्सनल लाइफ के विजन और उनके प्रोफेशनल लाइफ के विजन आपको ऑन पेपर लेना है, और वो ऑन पेपर लेने के साथ उनके विजन को कंपनी के विजन के साथ अलाइन करना है। और ये अलाइन करने का काम एक लीडर का होता है, और वो लीडर जब ये चीजों को अलाइन करता है तो विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, कंपनी का भी विजन अचीव होता है और टीम में काम करने वाले लोगों के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल भी अचीव होते हैं, वहां पर सभी लोगों का ग्रोथ एक साथ होता है। आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ मिथ है एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करने को लेकर, और वो मिथ जो है उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने बात किया। दूसरा हम बात करेंगे कि टीम को बिल्ड कैसे करना है और वो बिल्ड करने के लिए क्या एक्टिविटीज आप लोगों को करने की जरूरत है या क्या प्रोसेस आपको डेवलप करने की जरूरत है उसके ऊपर हम बात करेंगे।
फिर हम बात करेंगे कि आपके एम्प्लॉय के अंदर, आपके टीम के अंदर हर बंदा अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कैसे ले, क्योंकि कई बार हमने सुना हुआ होता है कि टीम काम तो कर रही है सर, लेकिन वो कोई भी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और कई जगह हमने देखा है लोग हायर तो कर लेते हैं लेकिन हायरिंग की कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। तो आज ये मेन चार टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिटेल के अंदर जाकर बात करेंगे और बने उतना सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर वन के ऊपर, और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि बहुत सारे मिथ जो हमारे बने हुए हैं हमारी एम्प्लॉय को लेकर, तो वो मिथ जो है उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ब्रेक करने के लिए आप लोगों को ये चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैनेजमेंट मतलब क्या और एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए आपको क्या चीजों को करना जरूरी है। लेकिन कई बार होता यह है कि गलती हम कर रहे होते हैं, गलती हमारी बार बार रिपीट हो रही होती है, लेकिन ज्यादातर टाइम हमारी गलती को बताने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन की जिंदगी के अंदर उनके पास कोई मेंटोर ही नहीं होता है। और लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन के अंदर बात किया था कि गुरुकुल यहीं पर ये काम करता है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी कंपनी को आगे ले जाने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए हम आपके साथ मेंटरशिप में जुड़ते हैं। और मेंटोर का मतलब ये होता है कि जो टाइम टू टाइम आपकी गलतियों को आपको बताए और उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको हेल्प करे। तो क्या होती है एक बिजनेसमैन को लेकर, या कैसी ऐसी गलतियां होती है जो हम कर लेते हैं जाने अनजाने में, तो कहीं ना कहीं हमारा एक मिथ बन चुका है। और ये मिथ सबसे पहला क्या है, अवर एम्प्लॉय मस्ट केयर अबाउट अवर कंपनी लाइक वी डू। कई बार हमारा ये माइंडसेट बन चुका होता है या हम ये सोच लेते हैं कि मेरी टीम में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कंपनी को मेरी तरीके से ही डेवलप करेंगे और उनके लिए भी कंपनी मेरी तरह जैसे मेरी कंपनी है वैसी ही होगी। तो ये बहुत ज्यादा मिथ है, क्योंकि कई बार हमने बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम करने के टाइम पर जब हम कंसल्टिंग प्रोसेस के अंदर लोगों को मिलते हैं तो ज्यादातर लोगों के साथ पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर हम लोगों की ये बात सुनते हैं, सर कंपनी तो ओनर की है, कंपनी तो लीडर की है, ये कंपनी हमारे घर की नहीं है। तो जो भी होने वाला है वो कंपनी का डेवलपमेंट होने वाला है, जो भी होने वाला है वो कंपनी के ओनर को मिलने वाला है, हमें कुछ भी चीज मिलने वाली नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी कंपनी को रखने वाले नहीं है। आज मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूं, कंपनी मुझे तनख्वाह दे रही है, कंपनी को मैं रिटर्न में काम करके दे रहा हूं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई भी चीजों की उम्मीद अगर एक ऑनर या एक लीडर अगर मेरे पास रख रहा है तो वो उनकी गलती। अब ये वाला माइंडसेट इसलिए बिल्ड हुआ होता है क्योंकि ये गलती हमने खुद ने भी की हुई है, मैंने खुद ने भी की हुई है कि स्टार्टिंग के दिनों के अंदर जब हम कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को जोड़ते थे तो हमारी खुद से ये गलती हुआ करती थी। हम ये माइंडसेट लेकर बैठते थे कि कंपनी मेरी है, मतलब ये बंदा जो काम करने के लिए आया है ये कंपनी उसकी भी है। और जब ये भ्रम हमारा टूटा और इस तरीके से टूटा कि हमें जब पता चला कि लोगों ने जब कंपनी को छोड़ा तो उसके पीछे की वजह क्या पता चली, तो लोगों ने उसके पीछे की वजह ये बताई कि सर हम यहाँ पर काम करके मर भी जाएंगे ना, तो यहाँ पर अपनी कोई कदर या अपनी कोई वैल्यू है नहीं, तो उससे बेटर ये है कि या तो मैं मेरा खुद का कुछ प्लानिंग करूं या तो मैं किसी और कंपनी के अंदर जाकर अप्लाई करूं जहां पर मेरा फ्यूचर कुछ हो सकता है। तो ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं और ये माइंडसेट लेकर बैठे हुए होते हैं कि एम्प्लॉय को ये बताकर रखते हैं कि आप भी इस कंपनी के ओनर हो, आप भी इस कंपनी का पार्ट हो। नो डाउट ये चीज दो अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो कि कोई भी इंसान जब कंपनी के अंदर जुड़ता है तो वो कंपनी का पार्ट तो है, लेकिन इन लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि उस टाइम पर उनका रोल क्या है और आपका रोल क्या है। मतलब एक बिजनेसमैन को ये चीज क्लियर ही नहीं होती है कि एक एम्प्लॉय जो होता है, ये टीम मेंबर जो होता है, उसको कंपनी के अंदर कुछ अलग काम करने होते हैं और एज अ लीडर आपके काम अलग होते हैं। तो होता ये है कि दोनों लोग मिलकर यही सोचते हैं कि मेरी ही कंपनी और मुझे ही ग्रो होना है, और ये भ्रम टूटता है जब इंसान छोड़कर चले जाते हैं।
तो इन चीजों से हमें कहीं ना कहीं बाहर आना है, और हमें ये समझना है कि काम करने वाला बंदा कंपनी का एक हिस्सा है, वैल्यूएबल हिस्सा है, लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं है। तो उसका माइंडसेट ओनर वाला आप प्रिडक मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो उसमें से जितना बने उतना जल्दी बाहर निकल कर आइए। क्योंकि जब आप ऑनरशिप उनको दोगे, ऑन रिकॉर्ड दोगे, तो बात अलग है, लेकिन आप खाली बोल रहे हो और उसको वो चीज जता नहीं रहे हो, तो वहां पर गलती हो रही है। तो इसको सबसे पहले हमें सुधारना है, और ये माइंडसेट में से बाहर आ जाना है, और हमें ये चीज क्लियर करवाना है कि कंपनी की बहुत बड़ी एसेट आप हो, और उस तरीके से उनको ट्रीट करना है। सेकंड चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमारा सबसे बड़ा मिथ होता है कि यू कैन मैनेज योर एम्प्लॉय। कई बार होता ये है, या कई बार ये सच्चाई होती है कि कर्मचारी जो होते हैं या टीम जो होते हैं, उसको मैनेज करने का जो काम होता है, उसके लिए पूरा का पूरा जो तामझाम है वो हम खुद लेकर बैठते हैं। और ये तामझाम जब हम खुद लेकर बैठते हैं, तो हमारे पास किसी भी तरीके की सिस्टम नहीं होती है, हमारे पास किसी भी तरीके का मैनेजमेंट नहीं होता है, हम जो बोलते हैं वो चीज होती रहती है, और हम ये सोचकर बैठते होते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। और ये गलती में से कई बार हमें बाहर आ जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले लोग अपना टाइम हमें दे रहे हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि उनको कौन से फ्रेम के अंदर लेकर जाना है, और टीम को मैनेज करना ये एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। टीम को मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, एक पर्सन होता है, जिसका नाम होता है एचआर। या तो एज अ बिजनेसमैन, अगर आपकी 10 लोगों से कम लोगों की टीम है, तो आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि एचआरएम होता क्या है। और अगर आपकी टीम 10 से ज्यादा लोगों की है, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं आपकी टीम में एक एचआर होना चाहिए, जिसका काम है आपके और आपकी टीम के बीच में पुल क्रिएट करना। और आप जो चाहते हो अपनी टीम से एक्सपेक्टेशन, उसको वो सुनेगा और अपनी टीम में से उनको परफॉर्म करवा के वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। आपको अपने टीम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना नहीं है और उसको मैनेज करना नहीं है, क्योंकि ये काम आपका नहीं है। तो ये गलती अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें से हमें बाहर आना है। फिर हमारे से ये गलती या ये मिथ हम लेकर बैठे हुए होते हैं, पे हायर सैलराइड वर्कर। कई बार हमें ये दिक्कत हो गई होती है, या कई बार हम अपने बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होती है कि ज्यादातर मामलों के अंदर हम हायर पर्सन को, हायर सैलराइड पर्सन को लेकर आ जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर हमने खुद ने ये गलती की थी, वो गलती को आप लोगों को बता होगा तो तुरंत आप कनेक्ट कर पाएंगे। हम एक सेशन के अंदर गए, उस सेशन के अंदर हमने सीखा कि हमारे से ज्यादा टैलेंटेड लोग जब हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। हमने तुरंत का तुरंत दोनों पार्टनर ने मिलकर डिसीजन लिया, और 80,000 का एक पर्सन को हम एज अ मैनेजर लेकर आए। अब दिक्कत हमें ये आ गई थी कि 80,000 वाला बंदा हमारे साथ जुड़ गया, अब हमें दोनों को ये पता ही नहीं है कि उनसे काम क्या लेना है। तो हर महीने के एंड में हम दोनों की बहस ये होती थी कि ज्यादातर काम हम दोनों कर रहे हैं और तनख्वाह हम इसको ज्यादा दे रहे हैं। तो ये माइंडसेट हमने अपने अंदर विकसित किया ही नहीं था कि जब ज्यादा सैलरी हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो उससे पहले एक प्रिपरेशन करनी होती है कि उसके पास से काम कैसे लिया जाए। उन चीजों की प्रैक्टिस हमने की ही नहीं थी, या वो चीजें हमने सीखी ही नहीं थी। तो होता ये था, मेहनत हम ज्यादा करते थे, पैसा वो ज्यादा लेकर जाता था। वो ज्यादातर मामले में हमारे से भी ये गलतियां होती है कि परफॉर्मर लोगों को हम लेकर आते हैं, लेकिन राइट काइंड ऑफ सिस्टम या राइट काइंड ऑफ मैनेजमेंट हम उनको देते ही नहीं है। और होता ये है कि उसी चक्कर के अंदर हमारी टीम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला बंदा होता है, जिसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, और उसके माइंड के अंदर ये चीज घूमती रहती है कि मेरे से बेहतर काम करने वाला कोई बंदा मेरी टीम में है नहीं, उसके बावजूद इस पर्सन को ये लोग लेकर आए हैं जिसकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा है, और उसको लोग तनख्वाह दे रहे हैं, मेरे लीडर लोग, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। तो अंदर ही अंदर ये होना शुरू हो जाता है कि वो बंदा फिर खाली प्रॉब्लम
प्रोडक्टिव न रहकर खाली एक्टिव रहता है, मतलब अपनी टीम में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है या बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है, या उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन चला जाता है। तो इन चीजों का भी ध्यान आपको रखने की जरूरत है कि जब भी आप किसी हायर सैलराइड पर्सन को लेकर आते हो तो उससे पहले आपके वहां सारी सिस्टम का होना जरूरी है, जैसे कि उस पर्सन से क्या काम लेना है और उसको क्या काम देना है। इन दोनों चीजों को कहा जाता है एचआरएम की भाषा के अंदर जेडी और केआरए। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शब्द होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जेडी का मतलब क्या होता है और केआरए का मतलब क्या होता है। जेडी का मतलब ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब यह होता है कि 5,000 वाला बंदा, 50,000 वाला बंदा या लाख रुपए वाला बंदा अगर आप अपनी कंपनी के अंदर लेकर आते हो तो आपके पास ऑन पेपर वो ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए या वो लिखित में होना चाहिए कि उस पर्सन से आप क्या काम करवाना चाहते हो। और सेकंड पेज आपको क्रिएट करना होता है जो उसी के साथ अलाइन होता है, जिसको कहा जाता है एचआरएम की भाषा के अंदर केआरए। और केआरए का मतलब होता है कि रिजल्ट एरिया, कि उस इंसान को जो काम आप देने वाले हो उसी काम के बिहाफ के ऊपर उसके पास से क्या रिजल्ट आप लेना चाहते हो। और ये दोनों चीजें जब आपने क्रिएट कर ली, तब जाकर आपको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देने वाला बंदा कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, और आपको उस पर्सन से ज्यादा काम कैसे लेना है वो आपको पता रहेगा। और ऑलवेज हर इंसान का उस तरीके से आपको केआरए सेट करना है कि उसके काम का या उसकी तनख्वाह का वो 10x कंपनी को रिटर्न दे। और वो 10x रिटर्न जब हम ले लेते हैं केआरए के जरिए, तो वहां पर हम अच्छी तरीके से अपने टीम में अच्छी सैलरी वाले, अच्छे काम करने वाले, स्किल विल वाले बंदे को लेकर हम चल सकते हैं। तो ये थर्ड मिथ में से हमें बाहर आ जाना है। चौथी सबसे बड़ी गलती जो ये होती है, सॉफ्ट होते हैं लीडरशिप स्किल वर्किंग। कई बार होता यह है कि हम अपने बिजनेस को शुरू कर देते हैं और उस बिजनेस के अंदर हमारे अंदर जो एक लीडरशिप स्किल हमें जो बिल्ड करनी होती है वो हम बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और इन चीजों के कारण होता क्या है, ज्यादातर मामलों के अंदर हम अपनी टीम को इंस्पायर ही नहीं कर पाते हैं अपने काम को लेकर। और कई जगह हमने देखा हुआ है कि जब टीम काम कर रही होती है तो उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता है, कोई एनर्जी ही नहीं होती है, कोई अलग तरीके से उनकी सोच ही नहीं होती है। बस उनका माइंडसेट इतना होता है सुबह आना है, काम करना है, शाम तक काम करना है, शाम होते हुए घर चले जाना। और ये चीजों की जिम्मेदारी होती है एक लीडर की, और एक लीडर को अपने अंदर ये चीजों को ध्यान में लेकर चलने की जरूरत है कि सबसे पहले अपनी टीम में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को डिसिप्लिन बताया जाए। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो और आपसे अच्छे लोग अगर आपकी टीम के अंदर आ रहे हैं तो आपको एक कलाकारी विकसित करनी है। ज्यादातर आपको अपने काम को डेलीगेट करना है, और ज्यादातर बिजनेस के अंदर लोग जो है वो डंपिंग करते हैं जो हमें नहीं करना है। और एक लीडर को ऑलवेज अपने विजन को क्लियर कट शेयर करना है और हर टीम मेंबर को अलाइन करना है उस विजन के साथ जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया। और तब जाकर कंपनी के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे कंपनी को विजन को अलाइन करने के लिए, क्योंकि उसी के साथ उनके खुद के पर्सनल विजन जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को सेटअप करना एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, और उन कलाकारी को विकसित करना एक लीडर का काम होता है। लेकिन ज्यादातर लीडर लोग कल जो काम करते हैं वही आज करते हैं, परसों भी करते हैं, 10 दिन करते हैं, महीना करते हैं, साल भर वही करते रहते हैं। उनको पूछा जाता है कि सर लास्ट 6 महीने के अंदर आपने कौन सी किताब पढ़ी टीम को मैनेज करने के लिए, तो उनका आंसर होता है सर मेरे पास टाइम ही नहीं था। जब उनको पूछा जाता है सर कौन से सेमिनार आपने अटेंड किए अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, तो बोला सर उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और तब हम जानते हैं कि सर आपके पास टीम कितने लोगों की है, तो बोलते हैं 10 से लेके 20 लोगों की टीम है। तो हम उनको पूछते हैं सर इतने सारे लोग आपने रखे हुए हैं और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप करते क्या हो और आपकी टीम क्या करती है। तो पता ही ये चलता है कि टीम का सारा काम ऑनर कर रहा होता है और ऑनर के सारे काम
टीम को दिए हुए होते हैं, लेकिन टीम फिर भी वो काम जो है वो ऑनर के थ्रू आउट ही करवाती है। और एक जगह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि एक पर्सन थे, अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे थे, एक मैनेजर को हमने वहां पर रेकमेंड किया और वो मैनेजर हमने वहां पर अपॉइंट किया। उस मैनेजर की फितरत ऐसी हुआ करती थी कि वो डायरी और पेन लेकर हर मीटिंग के अंदर बैठ जाता था और हर चीजों को नोट डाउन करता था। तो हमें स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा लगा कि बेस्ट एम्प्लॉय हमें मिल गया है, पर बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा है। तो एक महीना जब बिता और उसको जो टारगेट दिया था, हमें पता चला कि वो टारगेट उसने अचीव नहीं किया। दूसरा महीना बीत गया, पता चला कि वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तीसरा महीना भी चला गया, वहां पर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। और तब जाकर हमने एनालिसिस वहां पर किया तो पता चला उस बंदे की मास्टरी खाली इतनी ही थी कि डायरी और पेन लेकर बैठना है और जो सर बताए वो सब नोट डाउन करना है, सब लिखना है, रट्टा मारना है। और वो सारा नोट डाउन करने के बाद उसकी डायरी जो है वो बंद हो जाती थी और उसकी एक बैग के अंदर वो डायरी रख दी जाती थी और वो वही करता था जो उसको करना है। तो कई बार ये गलती हमारे से हो जाती है कि हम किसी को टास्क अलोकेट तो कर देते दे देते लेकिन टाइम टू टाइम उस टास्क को चेक करना, उसका रिव्यू लेना, उसका फॉलोअप लेना या उससे काम मांगना, ये हम मांगते ही नहीं। और हमारा ये माइंडसेट होता है कि हमने अगर दे दिया मतलब हो गया होगा। तो ये गलतियां है, इस गलती को हमें सुधारना है। और वो 3 महीना जब ये गलती वहां पर हुई और उसको जब सुधारा गया, तब जाकर उस इंसान ने अपने अंदर से बेस्ट परफॉर्मर करना स्टार्ट किया और 3 महीने के अंदर उसने अच्छी तरीके से जो टारगेट दिया था उसको ओवर अचीव किया। तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड चैप्टर के अंदर आएंगे और सेकंड चैप्टर के अंदर हम यहां पर बात करने वाले हैं टीम बिल्डिंग। और ये टीम बिल्डिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टीम बिल्डिंग में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो मेरा ये सवाल आप लोगों से है या आप लोगों को यहां पर बताना है कि टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। टीम बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इमारत जब वो गिरती है तो गिरने की सबसे बड़ी वजह यह होती है जब भूकंप आता है कि उसकी जो नींव होती है ना वो मजबूत नहीं होती है, और नींव मजबूत न होने के कारण बड़ी से बड़ी इमारत भी गिर जाती है। और आप लोगों ने शायद कई बार जब आप छोटे हो गए, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी या आप लोगों ने इन चीजों का ऑलरेडी खेल खेला ही होगा जो हम पत्तों के साथ खेलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पत्तों को लेकर एक अच्छी बिल्डिंग तैयार की थी या एक अच्छी पिरामिड उन्होंने बनाया था। तो होता यह है कि जब हम पूरा पिरामिड तैयार कर रहे होते हैं, नीचे का एक पत्ता भी अगर वहां पर झुक जाता है, पूरी की पूरी इमारत जो है वो गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप टीम बिल्डिंग करने की एक्टिविटीज करने के लिए जा रहे हो, अपने टीम के अंदर बेहतर से बेहतर लोगों को लेकर आ रहे हो, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि टीम बिल्डिंग करने के लिए अब आपको क्या चीजों का करना जरूरी है। क्योंकि हर इंसान जब आपकी टीम के अंदर जुड़ता है उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि इस कंपनी के अंदर मैं मेरा बेहतर देने वाला हूं और ये कंपनी से मेरा खुद का ये कमिटमेंट रहेगा कि ये कंपनी भी मुझे उतना रिटर्न दे। और ये दोनों चीजें जब नहीं होती है तब हमें दिक्कत ये आना शुरू हो जाती है कि लोगों को हम अपने साथ काम करने के लिए रखते तो है और वो लोग अपने साथ जुड़कर काम भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम को वो अच्छी तरीके से रिटर्न दे नहीं पाते। और इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें ये समझना पड़ेगा टीम बिल्डिंग होता क्या है, उसको किया कैसे जाए और उसको डेवलप करने के लिए अब आगे हम करेंगे क्या। तो सबसे पहला एक चीज हमें समझना जरूरी होता है, फर्स्ट स्टेप जो हमें यहां पर लेने की जरूरत है कि आइडेंटिफाई करना है कि नीड क्या है टीम बिल्डिंग करने को लेकर। सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है हर एक टीम मेंबर का कि उनको क्या टास्क दिया गया है, उस टास्क के अंदर उस बंदे का क्या आउटकम है, उसको टास्क को पूरा करने के पीछे का उसका पर्पस क्या है और उस पर्पस के अंदर उसको अगर परफॉर्म करना है तो उसकी स्किल क्या है जिसके बिहाव के ऊपर वो अपनी जॉब प्रोफाइल के ऊपर सही ढंग से बैठ सके। सरल भाषा में अगर मैं बोलने जाऊं तो हर बंदे को आप ले तो लेते हो, लेकिन लेने के बाद क्या आपके वहां वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से हर एक बंदे का पीएमएस आप चेक कर सको,
आप सोच रहे हो कि पीएमएस का मतलब क्या, तो ये भी एक एचआर का पार्ट है कि पीएमएस के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत रहती है कि पीएमएस जब भी आप करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको अपनी टीम में काम करने वाले लोगों का पीएमएस का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। और पीएमएस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको ये चीज करने की जरूरत होती है कि पीएमएस स्ट्रक्चर के अंदर आपको हर एक बंदे का परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करना होता है। होता यह है कि कई बार जब हम एक अच्छे सैलराइड पर्सन को जब अपनी टीम के अंदर हम लेकर आते हैं और उस पर्सन के साथ जब हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो होता यह है कि उससे कम तनख्वाह वाला बंदा उससे भी बेहतर काम करके अपने को दे सकता है, लेकिन ज्यादातर केस के अंदर हमने पीएमएस का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया होता है, तो वहां पर हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी टीम में चल क्या रहा है। और बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को जब हम मिलते हैं और उन लोगों के साथ हम पूछते हैं कि सर आपकी टीम का क्या हाल है, तो वो पूछते हैं सर मुझे पता ही नहीं होता है कि ये लोग पूरा दिन करते क्या है। और जब वो उतने टेंशन के अंदर होते हैं और सोचते हैं कि सर इतने सारे लोगों को मैंने ले लिया है, इतनी अच्छी उनको सैलरी हम दे रहे हैं, इतना अच्छा हमने उनको एनवायरमेंट दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करके दे रहे हैं, तब हम इनको एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने क्या पीएमएस का स्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है? तो वो बोलते हैं ये क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपल तरीके से ये होता है कि कोई भी गेम जब हम खेल रहे होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, तो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड लगा होता है और उस स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए या उसका एनालिसिस करते हुए आगे की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। जैसे कि अगर आप 2020 मैच देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि कम बॉल बची हो और ज्यादा रन रेट अगर हो और ज्यादा रन अगर हमें अचीव करने होते हैं, तो वहां पर हम उस प्लेयर को भेजना पसंद करते हैं जिसका अच्छी तरीके से स्कोर है और अच्छी तरीके से उसका रन रेट है, कि जिसने बाकी की लास्ट ओवर के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को ट्रैक हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पास्ट के अंदर जो परफॉर्म किया हुआ होता है, उस परफॉर्मेंस का जो डेटा होता है, उसी डेटा का स्कैन करके, उसका एनालिसिस करके, उसका रिपोर्ट तैयार किया होता है। तो क्या आपकी टीम के अंदर जब आप अपने साथ लोगों को रखते हो, तो क्या उनका स्कोर बोर्ड बना हुआ होता है? और उनका स्कोर बोर्ड जब नहीं बना हुआ होता है, तो होता ये है, अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा और कुछ ना करने वाले बंदे को सेम ट्रीटमेंट मिलती है। अब जो कुछ नहीं कर रहा है उसका तो बल्ले बल्ले है, उसका तो मजा है, तो वो करेगा क्या? वो बोलेगा बहुत बढ़िया है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन जो बंदा परफॉर्मर करने वाला बंदा होगा, उसके अंदर एक चीज चल रही होगी कि मैं इतना बेस्ट परफॉर्म करके दे रहा हूं, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी वही मिल रहा है और मैं बहुत कुछ कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है, तो आज के बाद मैं भी कुछ नहीं करूंगा, वो जो कर रहा है वही मैं करूंगा। और होता क्या है, उसके बाद एक ऐसी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है जहां पर खो होता है। मतलब कोई भी काम जब आप किसी को देने के लिए जाते हो, एक दूसरे को काम पास होता है और एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कि जो काम आपने दिया हुआ होता है, इसने इसको बताया, इसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और एंड ऑफ द डे किसी ने कुछ किया ही नहीं। और सबके माइंड में ये होता है ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, हमें सबसे पहले लोगों का माइंडसेट जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि कोई नियम कानून रूल्स हमें बनाने जरूरी है और उस रूल के साथ हमें टीम के हर एक बंदे को कनेक्ट करना जरूरी है। कई बार कई कंपनियों के अंदर हम देखते हैं कि नई टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन पुरानी टीम का एक माइंडसेट बन गया होता है, वो कुछ नहीं करता। ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है या सीनियर के थ्रू आउट जो भी काम आता है, वो नीचे से अपना काम करवा के दे देते हैं और बोलते ये है कि ये मैंने किया। और इन चीजों को देखते हुए ज्यादातर मामलों के अंदर हम ये देखते हैं कि उस कंपनी के अंदर कोई भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए नहीं है। तो ज्यादातर कंपनियों के अंदर फिर होता क्या है,
जहां बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ जब हम वन टू वन करते हैं और उनको पूछते हैं कि सर पास्ट जॉब आपने छोड़ी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो आज आप लोगों को बताना चाहूंगा उसकी सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है, सर वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ करता था और उस पॉलिटिक्स के अंदर मैं अपने आप को कंफर्ट नहीं कर पाया और उसके कारण वो जॉब को मुझे लीव करना पड़ा। तो आज मेरा क्वेश्चन आप लोगों को है कि आपके वहां अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके वहां पे भी यही चीज होने वाली है। हर बंदा फिर अपनी मनमानी करेगा, टाइम पर आएगा नहीं, टाइम पर काम करेगा नहीं, टाइम पर जाएगा नहीं और कंपनी का कोई भी नियम को वो फॉलो करेगा नहीं। और उसकी वजह वो नहीं है या उसका कारण वो नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह आप है, क्योंकि आपने कंपनी के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया ही नहीं है। तो हर कंपनी के साथ जब हम जुड़ते हैं, जैसे कि रोड के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम ट्रैफिक रूल्स को अपनाते हैं, किसी कंट्री के अंदर जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। मैंने अभी खुद मेरा खुद का पासपोर्ट जो है उसको रिन्यू करवाया, तो वहां पर भी एक सिस्टम होती है, एक नियम बने हुए होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है और उसी प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई नियम आपने बनाया है? अगर नहीं बनाया है, मतलब होगा है आपकी टीम के अंदर काम करने वालों की नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी टीम के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट करने वाले लोग नहीं होंगे, कनेक्ट करने वाले लोग नहीं होंगे, तो कोई भी इंसान अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करेगा नहीं। उसको पता ही नहीं चलेगा उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, और वो अपना बेस्ट जो कंपनी को देना चाहिए वो दे नहीं पाएगा। अब हम बात करेंगे कि टीम को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। तो टीम को बिल्ड करने के लिए अब हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमें कोई ना कोई अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड करने की आवश्यकता है। और वो स्ट्रेटजी बिल्ड करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारी टीम के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, और अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर लोगों के पास से फीडबैक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आपके पास अगर टीम है, या चलो आप अकेले ही हो लेकिन अपने बिजनेस को अगर आप बिल्ड कर रहे हो, तो क्या अपने अपने बिजनेस के अंदर डेली मॉर्निंग मीटिंग, डेली रिव्यू मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ऐसा कोई सिस्टम आपने बिल्ड किया हुआ है? ज्यादातर लोग बताए कि सर हम मिलते हैं, हम एक साथ मिलकर ही बातचीत करते हैं, तो सुबह में भी बातचीत हो जाती है, दोपहर में भी बातचीत हो जाती है और शाम में भी बातचीत हो जाती है, तो हमें वीकली मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं है, मंथली मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं है और मीटिंग की ही आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर होता ये है कि ये सारी मीटिंग की जब आवश्यकता आपको नहीं है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि फिर आपका टारगेट अचीव हो क्यों नहीं रहा है? फिर आपकी कंपनी ने जो माइलस्टोन बनाया हुआ था उसको आप अचीव क्यों नहीं कर रहे हो? तो ज्यादातर मामलों के अंदर बताया ये गया होता है कि वहां पर बातचीत होती है, वहां पर मीटिंग नहीं होती। क्योंकि जब आप नॉर्मल किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन वही चीजों को जब आप मीटिंग के जरिए जब कर रहे होते हैं तो मीटिंग का मतलब होता है, मीटिंग में एक एजेंडा होता है, हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है और वो एजेंडा पूरा करने के पर्पस से सभी लोगों का वहां पर कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, सभी लोगों को रोल बांटा जाता है, सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, सभी लोगों को रिसोर्सेस दिए जाते हैं और उसको अचीव करने का डेडलाइन सभी से मांगा जाता है, और फिर उसी डेडलाइन के ऊपर टाइम टू टाइम रिव्यू लिया जाता है जो वीकली मीटिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम का टारगेट या आपकी कंपनी का टारगेट 10 ईयर का आपने प्लान किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वार्टरली आपको कितना टारगेट लेकर चलना है, मंथली उसमें से कितना टारगेट लेकर चलना है। मंथली अगर आपका 1 करोड़ का टारगेट आपने लिया हुआ है तो क्वार्टरली
या वीकली, उसका कैलकुलेशन आपको निकालना है कि उसका एवरेज कितना निकल कर आएगा, और उन चीजों को हासिल करने के पास मेरी टीम में कितने लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेस क्या है, उनके पास डेटाबेस क्या है, उनके पास सिस्टम क्या है, और वो किस तरीके से वो अचीव कर सकते हैं, और किसी कारणवश ये सब कुछ होने के कारण अगर उन्होंने उन चीजों को बिल्ड नहीं किया तो क्या आपके पास प्लान बी है। तो ज्यादातर केसेस के अंदर देखा ये जाता है, पहले तो प्लान ए ही नहीं होता है तो बी की तो बात ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले प्लान ए होना चाहिए, और वो प्लान अगर सक्सेसफुल ना वर्क करे तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि आपकी टीम के अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड अगर आपको करना है तो आपको ये चीजों को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कई बार गलतियां ये होती है, हम लोगों को ले तो लेते हैं, और कई जगह हमने ये चीज देखी हुई है, हम अपनी टीम के अंदर लोगों को रख तो देते हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं देते, और हम ऐसा सोचते हैं कि वो खुद से ही सारा काम कर लेंगे और वो खुद ही सारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। तो ज्यादातर मामले में आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि लास्ट टाइम आपने अपनी टीम की ट्रेनिंग कब करवाई थी, और आपने करवाई होगी या आपने खुद ने करी होगी वो नहीं। या तो वो ट्रेनिंग आपका एचआर करेगा जो प्रोफेशनल बंदा होगा, या तो वो ट्रेनिंग किसी आउटर साइड से पर्सन करेंगे जिनका काम ही है इन चीजों को करना। क्योंकि कई बार बिजनेसमैन खुद ये गलती कर लेता है, वो खुद ट्रेनर बन जाता है और वो लोगों को ट्रेन देना शुरू कर देता है, तो वो आपका रोल नहीं है। आपका रोल ऑलवेज ये होना चाहिए कि सही रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना और उन रिसोर्सेस के जरिए सबको जोड़ना। तो ये चीजों को भी ध्यान रखना हमें जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हुए हैं उसको अपनी टीम को कम्युनिकेट करना और उसको एस्टेब्लिश करना। क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर होता ये है, रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए होते हैं, ऑन पेपर आ गए होते हैं, और उसके बाद जब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना होता है तो वो खाली पेपर पर रहते हैं और प्रैक्टिकली कोई भी चीज नहीं होती। तो एक बिजनेसमैन को सबसे बड़ी चीज अपने अंदर अगर कोई चीज विकसित करनी है वो है डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन के अंदर उसको ये रोल प्ले करना रहेगा, और वो रोल का ध्यान रखना है कि आपके वहां जो भी चीज बिल्ड हो रही है क्या उसको राइट वे में उसका अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई होने के बाद टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन करना। क्योंकि ये चीजें जब आप करना शुरू करते हो तो होता ये है, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए खाली ऑन पेपर नहीं रहते हैं, वो प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। और प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब ये होता है, जब कोई बंदा रूल्स फॉलो कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, और जब कोई बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाए या उसके सामने एक्शन लिया जाए। और कई बिजनेसमैन लोगों को हम देखते हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर इमोशनल होते हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो चाहकर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ये ऐसा सोचते हैं, अगर मैंने कहीं ऐसा डिसीजन ले लिया तो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और जब लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा, इससे बेटर है मैं लोगों को मेरे साथ लेकर चलूं। अब होता ये है कि एक बंदे ने अगर वो गलती की, प्लीज मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि सभी लोग अपना माइक जो है उसको म्यूट करके रखिए, तो बाकी लोगों को मेरा वॉइस जो है वो अच्छी तरीके से जा पाएगा और हमारी मीटिंग और अच्छी तरीके से हम कंडक्ट कर पाएंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच। होता यह है कि जब एक बंदा नियम तोड़ता है और उस नियम के अगेंस्ट अगर वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो अधिकतर टीम के अंदर भी फिर वो नियम को ब्रेक करना शुरू हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर हमने बनाया हुआ है कि स्टार्टिंग में आपको इस टाइम पर अपनी कंपनी के अंदर आ जाना है। अब होता यह है कि एक बंदे का प्रॉब्लम थोड़ा पर्सनल लेवल पर होता है और उसके कारण वो बंदा 5-10 मिनट लेट आता है। एक बार जब वो लेट आता है कोई एक्शन नहीं ली जाती, 3 बार जब लेट आता है कोई एक्शन नहीं ली जाती, फिर उसकी आदत हो जाती है कि यहाँ लेट जाएंगे चल जाएगा। फिर उस बंदे के सामने कोई एक्शन न लेने के कारण बाकी के लोग भी ये सोचना शुरू करते हैं, तो फिर हम टाइम पर क्यों जाए और हम क्यों टाइम स्पेंड करें, हम भी लेट जाएंगे। फिर कल्चर ऐसा बिल्ड होना शुरू हो जाता है, सभी लोग लेट आना शुरू कर देते हैं और एक्स वाई जेड रीजन बताते हैं, और वो जेन्युइन रीजन होते हैं ज्यादातर मामलों में, लेकिन कई बार उसकी वो आदत बन जाती है।
तो यहां पर एज अ लीडर आपको करना क्या है, नियम अगर आपने बनाया है, कानून अगर आपने बनाया है और उसको अगर कोई भी बंदा ब्रेक करेगा तो आपके एचआर के थ्रू आउट उसके ऊपर एक्शन लेना है या उसको वार्निंग लेटर देना है। और वो चीज अगर आपका एचआर नहीं कर पा रहा है और 10 से कम लोगों की टीम है तो वो रोल आपको खुद को प्ले करना है। क्योंकि कोई भी चीज कभी भी जब आप किसी को शेयर करते हो तो वो वर्बल ही नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये होता है हम वर्बली लोगों को वार्निंग दे देते हैं कि भाई देख लेना, हाँ देख लेना देख लेना देख लेना। और होता ये है कि वर्बली जब हम देख लेना करते हैं तो अगले का भी माइंडसेट ये हो जाता है वो भी देख लेना ले देख लेना करता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि देख लेने वाली चीज वहां पर चले। वहां पर आपको स्ट्रिक्टली उन चीजों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा कि देखना नहीं है, स्ट्रिक्टली उसको आपको ऑन पेपर लिखित के अंदर कोई भी चीज का नियम अगर कोई भंग करता है तो 3 बार आपको वार्निंग देना है। उसके बाद वो कितना भी बढ़िया बंदा है उसका ऑप्शन ढूंढ के उसको रिजाइन लेटर दे देना है। और ये थोड़ी कड़वी चीज है, ये थोड़ी अघरी चीज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जब आप करना शुरू करोगे, एक बंदे को जब आप अलर्ट करके या उसके ऊपर जब आप एक्शन लोगे, बाकी के लोग सही ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। और ये चीजों की प्रैक्टिस जब आप नहीं करोगे तो होगा ये, बाकी लोग भी उन्हीं चीजों को रिपीट करना शुरू करेंगे, फिर ये आपके लिए हेडेक बनता जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। पांचवी पार्ट हम बात करेंगे कि बी अ पार्ट ऑफ द टीम। कई बार हमने ये देखा हुआ होता है कि एक बिजनेसमैन अपने आप को एक बिजनेसमैन समझता है, एक बॉस बन गया होता है और उसका माइंडसेट बॉसगिरी वाला होता है और वो ज्यादातर अपनी टीम के साथ अलाइन नहीं होता है। एलडीपी करके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ऑनलाइन भी हम करते हैं और ये ऑफलाइन भी हम करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जब टीम मैनेजमेंट की बारी आती है तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि यहां बैठे जितने भी लीडर्स लोग हैं, कितने लोगों को ये पता है कि आपकी टीम में काम करने वाला बंदा जो है उसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल क्या है? और ज्यादातर लोगों के हाथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है, ये सोच होती है कि मैं किसी को तनख्वाह दे रहा हूं, वो बंदा काम करके दे रहा है, इससे ज्यादा हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान पैसे के कारण अगर आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है या आपसे अगर वो जुड़ा हुआ है तो आपसे ज्यादा तनख्वाह देने वाला पर्सन या कंपनी जब उसके सामने अवेलेबल होगी वो इंसान तुरंत का तुरंत स्विच करके चला जाएगा। तो अब इसका करना क्या है? इसका करना यह है कि आपको सर ये करना पड़ेगा, उनको इमोशनली आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और आपको भी इमोशनली उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को ध्यान में रख के। यह दोस्तों गोल को ध्यान में रख के किस तरीके से कि जब आप अपनी टीम में काम करने वाले लोगों की काम करने की वजह जान लेते हो, पर्पस जान लेते हो, रीजन जान लेते हो, तब जाकर आप उनको अपने विजन के ऊपर काम करवा पाते हो। और जब ज्यादातर मामले के अंदर ये चीज हम नहीं जान पाते हैं तो हम बॉस बन गए होते हैं, हम लोगों को ऑर्डर दे रहे होते हैं और हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि भाई तुझे फ्री में हम काम नहीं करवा रहे हैं, तुझे पैसा दे रहे हैं, पैसे के सामने तो काम करके दे। फिर इंसान भी वही करता है, वो पैसा लेता है, काम करता है और भूल जाता है। तो आपको आपका पार्ट जो है वो आप टीम का एक हिस्सा हो उस तरीके से आपको ध्यान में लेकर चलना है। कई बार हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी टीम में कोई बंदा अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है या चाहकर भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है तो वहां पर आपको अपना रोल जो है वो एक मेंटर का बनाना पड़ेगा और मेंटरशिप के रोल के अंदर आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपनी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं और वो जब काम करना शुरू करते हैं बहुत सारी चैलेंजेस उनको ऐसी आती है जिस चैलेंजेस का सॉल्यूशन उनके पास होता नहीं है। और वो सॉल्यूशन उनके पास न होने के कारण वो क्विट करना पसंद करते हैं, वो गिव अप करना पसंद करते हैं, वो जॉब को छोड़ना पसंद करते हैं। और यहां पर आपकी टीम में अच्छा बंदा रेडी होते होते रह जाता है
तब जाकर आपको करना ये होता है कि मंथली एक बार आपको टाइम निकालना है 5-10 मिनट के लिए, सबके साथ 1-to-1 मीट करनी है और सबके अंदर क्या माइंडसेट उनका चल रहा है, क्या उनकी थ्योरीज चल रही है, कंपनी को लेकर वो क्या सोच रहे, टीम को लेकर वो क्या सोच रहे, लीडर्स को लेकर वो क्या सोच रहे, मैनेजमेंट को लेकर वो क्या सोच रहे, इन सभी चीजों का फीडबैक लेना आवश्यक है। वो अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे, ये सारी चीजों का जानना जरूरी है। इससे एक बेहतर रोड मैप आप तैयार कर पाते हो कि उनको जहां तक जाना है वहां जाने के लिए अब उनको मुझे क्या देना है और उनसे क्या मुझे लेना है, ये चीजें आपको क्लियर करनी होती है। और आपको भी टीम का हिस्सा बन के काम करना होता है, न कि अब आप लीडर बन गए हो, न कि अब एक बॉस बन गए हो तो आप लोगों को दुत्कारोगे। और कई जगह हमने ये देखा हुआ है, एक गलत चीज की प्रैक्टिस हम करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम लोगों को गालियां देते हैं, बकायदा हम लोगों की वैल्यू को डाउन करने का काम करते हैं। और ये ज्यादातर केसेस के अंदर देखा गया है कि जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हो, जब आप लोगों के नुक्स निकालते हो, तो यहाँ इंडिया के अंदर काम करने वाले लोग इमोशनल लोग हैं, उनके इमोशन होते हैं, और उसके इमोशन के जब साथ जब खिलवाड़ होता है तो होता ये है, वैसी दुर्घटना घटना होना शुरू हो जाती है जो आपने सोची भी ना हो। क्योंकि कई लोग अपने अंदर इन चीजों को बिठा कर बैठे हुए होते हैं कि बेटा आज आपका मौका है, आप बोल लो, आपको जितना बोलना है बोल लो, जितना आपको बताना है बता दो, जितना डांटना है डांट दो, एक टाइम ऐसा आएगा मेरा भी मौका आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। और जब उनका वो टाइम आता है वो अपनी फितरत दिखाते हैं। और उन चीजों को ध्यान में रखकर आपको अपने रोल को समझना जरूरी है कि आप टीम के बॉस न बन के आप टीम का पार्ट बनो। और जब आप टेबल के सामने किसी के साथ काउंसलिंग कर रहे हो तो ऑलवेज इन चीजों की प्रैक्टिस मैं खुद करता हूं, आप खुद भी करो, थोड़े टाइम के लिए उस इंसान को मिलने के बाद आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो और फिर ये सोचने का एफर्ट्स करो कि वो इंसान उन चीजों को नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और उस वजह को क्लियर करने के लिए अब आप करोगे क्या। और वो चीजें जब आप क्लियर कट समझ जाते हो तो वहां पर आपको इन चीजों को समझना आसान हो जाता है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, और कोई भी काम अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, उन चीजों को क्लियर करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। ये चैप्टर हमने बनाया हुआ है, बहुत सारे मूवीज अभी आ रहे हैं जो चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इस बार हमने कुछ नया इनिशिएटिव ले लिया और हमने सोचा कि पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो चैप्टर वाइज लेकर जाते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है कि क्या मिथ्स हमारे होते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा क्लियर हुआ है कि टीम को बिल्ड कैसे करते हैं, तीसरे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे हायरिंग कैसे होता है। मेरा ये सवाल आप लोगों के है कि आप हायरिंग करते कैसे हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों के अंदर हमने ये देखा है सस्ता सुंदर टिकाऊ माइंडसेट एक तो अपना होता है, और मामा का, काका का, फूआ का, भाई का, बेटा का, सबका बदला लेगा नहीं, सबके बेटों को हम लेके अपनी टीम के अंदर, ये वाला माइंडसेट होता है। और एक बिजनेस को चलाने के लिए पूरा परिवार वहां पर जुड़ा हुआ होता है, पूरे ऐसे लोग वहां पर कनेक्ट हुए होते हैं जिन लोगों के साथ काम करना इनिशियल लेवल पर तो ओके है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर होता ये भी है कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती है कि प्रोफेशनल लोग हमारे साथ जुड़े, तो स्टार्टिंग में सही है कि आप अपने नियर एंड डियर को आप अपने साथ जोड़ो, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि इनको लेकर ही आप अपना पूरा सफर पूरा करो। तो हायरिंग के टाइम पर ज्यादातर कंपनियों के अंदर पहले तो हायरिंग की कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। हम पूछते हैं सर आप इंटरव्यू लेते हो, बोलता है सर इंटरव्यू नहीं खाली मीटिंग होती है, और हम ये जानते हैं कि सामने वाला बंदे ने अभी तक किया क्या। फिर हम उसको बोलते हैं कि ट्रायल पर आ जा, तो एक बार आ जा फिर हम देख लेंगे। फिर वो आता है, आने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट में हम काम करवाते हैं, अलग अलग टास्क देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो बंदा कौन सा काम करने में मास्टर है, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर उसको रख दिया जाता है, और फिर जाकर 6 महीने साल भर के बाद वो रिटर्न देना शुरू करता है। तो मेरा कहना आपको ये है कि उस बंदे को अगर आप सैलरी देने वाले हो, उस बंदे को अगर टाइम टू टाइम आप तनख्वाह दे रहे हो,
क्यों ना स्किल वाला बंदा, विल वाला बंदा, और उस प्रोफाइल के हिसाब से राइट पीपल को आप लेकर आओ। तो ज्यादातर लोगों का हायरिंग को लेकर क्वेश्चन ये होता है, सर ये हायरिंग करेंगे कहाँ से और ये हायरिंग होता कैसे है, ये हमने कभी किया नहीं है, हमें इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप हमें गाइड करो कि ये किया कैसे जाए। तो सर हायरिंग करने के लिए सबसे पहले तो बहुत अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आपको नेटवर्किंग करना होता है लोगों के साथ, और प्रोफेशनल लोगों को अप्रोच करना होता है प्रोफेशनल तरीके से, और उनको एक अपॉर्चुनिटीज देनी होती है जिसके ऊपर वो काम करने के लिए आए। फिर जब कोई बंदा हायरिंग प्रोसेस के अंदर आपके वहां जब आए और आपके साथ जब जुड़े, तो सबसे पहले उसके पास एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। जब वो फॉर्म फिलअप करता है उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के अंदर आपको 3 तरीके के इंटरव्यूज लेने होते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू आपका एचआर लेगा, एचआर नहीं है तो आप खुद लोगे। उसके बाद उसके डिपार्टमेंट के जो एचओडीज होंगे वो एचओडीज के साथ उनका इंटरव्यू होगा, और फाइनल इंटरव्यू जो होगा वो डायरेक्टर के साथ होगा। और इस तरीके से पूरी हायरार्की जो है वो आपकी इंटरव्यू की सेटअप होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर होता ये है सर, कर्ता हर्ता धर्ता हम खुद ही है, मतलब ऑल एंड सॉल आपने जितना बोला ना वो हम खुद ही है, तो हमें खुद ही डिसाइड करना है बंदे को लेना है कि नहीं लेना है। तो सर यहां पर आपको ये करने की जरूरत है कि आपको हमारे जैसे प्रोफेशनल लोगों का साथ लेना है, प्रोफेशनल लोगों का सपोर्ट लेना है। और ये चीज हम कंसल्टिंग के अंदर बकायदा करते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो उसके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और वहां पर पूरी इंटरव्यू प्रोसेस हमारे थ्रू होती है। तो होता यह है कि एक्सपर्ट लोग जब इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो वहां पर वो अपनी एक्सपर्टाइज यूटिलाइज करते हैं, और आपकी टीम में एक्सपर्ट लोगों को कैसे लाना है उसकी प्रैक्टिस वो करके आपको देते हैं। और ये प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हो तो राइट वे में आपके वहां इंटरव्यूज होगा, राइट वे में आपके वहां हायरिंग होगा, और राइट वे में लोग काम कर पाएंगे। और ज्यादातर केसेस के अंदर हमने देखा ये है, 10 15 50 लोगों की टीम बन जाती है लेकिन राइट वे का हायरिंग होता नहीं है, और हायरिंग न होने के कारण फायरिंग के रेशियो बढ़ जाते हैं। मतलब कई लोग अपनी कंपनी को कंपनी ना बनाकर अपनी कंपनी को स्कूल बनाकर बैठे हैं, उस स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सीख लेते हैं और अपना खुद का शुरू कर देते हैं। और कई जगह तो आना जाना आना जाना आना जाना शुरू ही रहता है, मतलब उनको क्लियर ही नहीं होता है कि कोई टिकेगा या कोई नहीं टिकेगा, उसका उनको क्लियरिटी ही नहीं होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपके वहां आप किसी बंदे को जोड़ते हो तो क्या उसको ऑफर लेटर आप प्रोवाइड करवाते हो, क्या उसका ज्वाइनिंग लेटर होता है, क्या उस पर्सन के साथ आप क्या करने वाले हो वो सारी चीजों का रिटर्न में उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से दिया हुआ होता है, क्या आपने अपनी कंपनी की एचआर पॉलिसी, एचआर हैंडबुक बनाई हुई होती है कि आपके वहां काम करने का कल्चर क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करने वाला है उसका एसओपी क्या आपने बिल्ड किया हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ होता है नहीं। सर ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हाँ हाँ जरूरी है सर, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब जाकर आप राइट तरीके से किसी भी पर्सन को हायर नहीं कर पाओगे। देखते हैं आगे कि हायरिंग के अंदर और क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हायरिंग प्रोसेस के अंदर आता है कि हमें अपना टाइम जो है उसको सेव करना है, और टाइम को अगर हमें सेव करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि जब हम किसी नए पर्सन को हायर करने के लिए जा रहे हैं तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताई वो राइट प्रोसेस बिल्ड करने की जरूरत है। कई बार होता यह है जो चीजें आगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हायरिंग करने की राइट प्रोसेस जब हम बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं तो आपका सबसे बड़ी चीज, सबसे कीमती चीज अगर कोई जाती है वो टाइम जाता है। और कई दुखी लोगों को हमने देखा है कि सर आज 6 महीने हो गए, सर आज साल हो गया, आज 2 साल हो गए, हुआ ये कि सर जिसको सिखाया, जिसको तैयार किया, जिसको बेहतरीन ढंग से मैंने मजबूत किया, अब उससे काम लेने की आवश्यकता आ गई थी, उसी टाइम पर उसने मेरी कंपनी को स्विच कर दिया। और इन चीजों का होने का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि आपने अपना शेड्यूल या आपने अपना प्लानिंग उस तरीके से किया ही नहीं होता है कि राइट वे में आप हायरिंग कैसे करें।
तो फिर से मैं ये गुजारिश करने वाला हूँ, आपके वहाँ हायरिंग करने के लिए या तो एचआर होने चाहिए, एचआर अगर नहीं है तो आपके पास एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जिनकी कंसल्टिंग लेकर, जिनकी गाइडलाइन के अंदर आप अपने साथ हायरिंग कर सको। इसका मतलब कभी भी ये नहीं निकल कर आएगा कि आपकी स्किल के ऊपर हमें डाउट है या आपको लेकर डाउट है। सर ऑलरेडी आप बेस्ट ही कर रहे हो और बेहतर ही कर रहे हो, लेकिन आपका ये काम नहीं है। आपका यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा हुआ है सेव करना है टाइम, और टाइम को सेव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम ये एक्टिविटीज के पीछे नहीं जाना चाहिए, आपका टाइम प्रोडक्टिविटी के पीछे जाना चाहिए। और वो प्रोडक्टिविटी क्या है, वो प्रोडक्टिविटी है एक काम होता है कंपनी को चलाने का, और दूसरा काम होता है कंपनी को डेवलप करने का। तो आपके पास ऑलवेज वो टास्क होने चाहिए जहां से आपकी कंपनी डेवलप होने वाली है। आपके पास कभी भी ये टास्क नहीं होने चाहिए जो आपकी कंपनी को चलाने वाला काम करेगी। तो यहां से आपको बाहर निकलना है। सेकंड चीज आपको देखनी है, रिड्यूस करना है आपका टर्नओवर के वाइज आपका कोस्ट। कई बार हम ये देखते हैं और ये प्रैक्टिस हमने की हुई है कि कंपनी की इनकम या कंपनी का रेवेन्यू महीने का कितना है, तो 10 लाख। उसके सामने देखने जाए तो उसकी सैलरी कितनी जा रही है, तो सैलरी जा रही है 5 लाख। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ये तो सही बैलेंस है और सही तरीके से हमारी शीट हमने मेंटेन की है, 5 लाख का तो हमें फायदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपकी गलत प्रैक्टिस है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये आपकी गलत प्रैक्टिस है। अगर 5 लाख आपकी सैलरी के पीछे जा रहा है तो मिनिमम उसका 10 टाइम कितना होता है, तो उसका 10 टाइम जितना होता है क्या उतना रेवेन्यू आपकी कंपनी के अंदर बिल्ड हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है, अभी भी आप अपनी टीम से जो काम आपको करवाना है वो करवा नहीं पा रहे। और ये चीज की प्रैक्टिस न करने के कारण या इन चीजों को सीरियसली न लेने के कारण कई कंपनियों को हमने देखा है, स्टार्ट तो हो जाती है, बढ़िया ढंग से डेवलप भी हो जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद उनकी हालत ये होती है, लोगों की सैलरी देने का पैसा उनके पास नहीं होता है। और ये आपकी बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। पिछले 7 या 8 साल के अंदर खुलकर ये बातें मैं आप लोगों को बताना इसलिए चाह रहा हूं कि एक कामयाब इंसान वही कहलाता है या एक सक्सेसफुल इंसान वही बनता है जो दूसरों की गलती से सीखे। और ये गलती बकायदा हमने की हुई है 3 से 4 बार। मतलब 6 महीने के बाद ऐसी सिचुएशन हमारे वहां आ जाती थी या ऐसी सिचुएशन के अंदर हम फंस जाते थे, वहां पर होता ये था, लोगों की तनख्वाह देने का पैसा हमारे पास होता नहीं था। और ये प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हमने इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला या इसका प्रैक्टिस हमने इस तरीके से करना शुरू किया कि हर चीज का एक बजट बनाकर चलो। यार ये बजट आपको पहले से ही प्लानिंग करना होगा और ये डिपार्टमेंट वाइज होगा। और ये बजट के अंदर कोई भी नया पर्सन अगर आपके साथ जुड़ता है तो 3 महीना उसका प्रोविजन पीरियड चलना चाहिए। 3 महीने की सैलरी आपकी उसकी एडवांस आपके पास रहनी चाहिए जिसको आप बेयर कर सको, अगर वो आपको एक भी रिजल्ट प्रोड्यूस ना करके दे फिर भी। और ऑलवेज आपकी कंपनी का कोस्ट जो है वो 6 महीने का एडवांस प्लान लेकर आपको चलना है। और इन दो चीजों की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और इसका कंटिन्यू अगर आपने प्रैक्टिस किया तो कभी भी आपकी कंपनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर नहीं आएगी और ऑलवेज आप अपनी कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर पाओगे। और ये कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको करना ये है, कई बार हम गलत खर्चे ऐसे कर देते हैं या गलत एक्सपेंसेस हमारे कर लिए होते हैं जिसको हमें बचाना है। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में हम इंसेंटिव प्लान करना भूल जाते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा देना भूल जाते हैं। और ये गलती होने के कारण होता ये है, आपके लोग भी ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं और आपकी कंपनी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो इन सभी चीजों का बैलेंस करके आपको चलना जरूरी है कि आपकी टीम में जितना अच्छा कमाने वाले लोग आपके साथ होंगे या जितना अच्छा उनका वेल्थ होगा उतना ही कंपनी का टर्नओवर बेहतर होने के चांसेस है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग अच्छा रिटर्न भी आपको दे पाएंगे। और इन चीजों का प्रैक्टिस करना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करना है। और नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुरुकुल आपके साथ है, आपको वो गाइड करेंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि कई बार मैक्सिमाइज हमें करना होता है प्रोडक्टिविटी।
इसका मतलब ये होता है कि कई बार लोग वर्क तो करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को करने के पीछे वो खाली टाइम देते हैं, और उस टाइम पर खाली उनका काम चल रहा होता है, लेकिन उस काम के सामने उनकी एक चीज नहीं हो रही होती है, और वो होती है एक्टिविटीज के साथ होती है प्रोडक्टिविटी। तो कई बार आपके वहां लोग जो होते हैं वो खाली एक्टिव होते हैं, और एक्टिव तरीके से खाली काम कर रहे होते हैं, वो लोग प्रोडक्टिव नहीं होते। और प्रोडक्टिव ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, आपने उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर किया ही नहीं होता है। और ये हायरिंग के टाइम पर क्लियर हो जाना जरूरी है, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बोला था, जीडी और केआरए आपको क्लियर करना है, तब जाकर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लोगों की निकाल पाओगे। और एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहूं, अगर आज आपको भूख लगी है तो खाना मांगना पड़ता है, उसी तरीके से आपकी टीम के पास बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले लोग होते ही हैं, बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस वो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको उनके पास से रिजल्ट मांगना पड़ेगा। और ज्यादातर लीडर लोग रिजल्ट के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, खाली प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो हुई, ये हुआ, ये किया, ये किया, ये नहीं किया, लेकिन ज्यादातर मामले के अंदर आपको एक ही चीज के ऊपर अड़ल जाकर अटकना है कि मैंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये टास्क दिए थे, कि आपने अपना 100% दिया तो क्या उसका 100% रिजल्ट आपने मुझे प्रोड्यूस करके दिया? अगर नहीं दिया तो उसी के हिसाब से आपको उसकी प्रैक्टिस करवानी है, और ये बेहतर तरीके से करने वाला एचआर होना चाहिए आपकी टीम के अंदर। अब आएंगे हम चैप्टर 4 के अंदर, और 4 चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी टीम के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको अकाउंटेबिलिटी के अंदर कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, और उसको आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप कैसे बना सकते हो। तो ये इन चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको करना ये है, आपको सबसे पहले आपकी टीम में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसको एक अच्छा एनवायरमेंट देना जरूरी है। उस एनवायरमेंट के अंदर आपके वहां ऐसा कल्चर बिल्ड करना जरूरी है कि कोई भी सामान्य इंसान आपके टीम के अंदर एज अ फ्रेशर भी अगर काम करने के लिए जुड़े तो वो 6 महीने या साल भर की प्रोसेस के बाद एक अच्छा बेहतर परफॉर्मर बंदा बन के बाहर आए। और इन चीजों को बिल्ड करने के लिए आपको सभी लोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनका खुद का जेडी और केआरए तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया ही, लेकिन वीकली और मंथली मीटिंग के अंदर एक चीज और प्रैक्टिस करने की आपकी होती है, वो होती है केपीआई। और केपीआई का मतलब ये होता है कि आपको जिस पर्सन से जो काम करवाना है उस पर्सन से वो काम अगर हो रहा है तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। और वो बंदा अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो एन्युअली जब उसका ग्रोथ करने की बारी आएगी तो वहां पर उन चीजों की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, क्योंकि कई बार ये गलती भी होती है कि ज्यादातर बिजनेसमैन लोगों को जब हम मिलते हैं और पूछते हैं कि सर आपके वहां प्रमोशन करने की क्या प्रैक्टिस आप करते हो, तो बोलते सर हर साल जो है वो 5%, 8%, 10%, 12% या एक फिक्स होता है, उतना परसेंटेज हम ग्रोथ दे ही देते हैं और सबको दे देते। तो हम पूछते हैं कि सर जितना परसेंटेज का ग्रोथ आपने अपनी टीम के अंदर दिया हुआ है क्या उस पर्सन का प्रोडक्टिव वर्क क्या उतना आना आपको शुरू हो गया है? तो आंसर ये होता है सर किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने गलत चीज की प्रैक्टिस की हुई है, आप अपने वहां बोनस सिस्टम आपने बनाई हुई है, या आपके वहां अगर आपने एन्युअली अगर इंक्रीमेंट के सिस्टम बनाई हुई है तो वो जुड़ी हुई चीनी चाहिए आपके पीएमएस के साथ, आपकी टीम के अंदर काम करने वाले लोगों के, और वो जुड़ा हुआ चने होना चाहिए केपीआई के साथ। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में काम करने वाला हर पर्सन अगर परफॉर्म करके आपको दे रहा है तो उसका रिटर्न भी उसको मिलना चाहिए, और अगर परफॉर्म करके नहीं दे रहा है तो उसका रिटर्न उसको न मिले वो भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा अगर आपकी टीम में काम कर रहा है उसका पीएमएस का प्रैक्टिस अगर आपने किया हुआ है और एन्युअल ग्रोथ के लिए आप उसके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और उसके स्कोर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि उसका स्कोर बोर्ड अगर 50% से ज्यादा अगर हो रहा है
तो उसके लिए कोई सोर्सेस आपको प्लान करने हैं, लेकिन 50% जितना अगर ग्रोथ अगर वो करके दे रहा है तो वहां पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर 50 से लेके 60-70 तक अगर उसका ग्रोथ रेशियो अगर आपको दिख रहा है, वहां पर 5% से लेके 8% से लेके 10% तक आप दे सकते हो। अगर वो 70% से ज्यादा 80% तक या 90% तक अगर वो जा रहा है, तो वहां पर ये बढ़ाकर आप थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो या उसको एक पोजीशन दे सकते हो। और उससे भी बेहतर अगर उसका परफॉर्मेंस है, 90% से ऊपर अगर जा रहा है, तो या तो आप उसका जो पोजीशन है उसको चेंज करके एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, या तो 100% आप उसके सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट करवा सकते हो। तो इन चीजों की प्रैक्टिस जब आप करोगे, तब आपकी टीम के अंदर काम करने वाले लोग टिकेंगे, परफॉर्म करेंगे, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ काम करेंगे और आपको छोड़कर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी काम की वैल्यू आप उनको दे पा रहे हो। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले ये प्लान करना है कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोगों के साथ में लेकर आप जो वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो हर बंदा जो काम कर रहा है क्या उसकी वैल्यू उसको मिल रही है। क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर हमने ये देखा हुआ होता है, टीम के अंदर काम करने वाला बंदा कई बार अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव वर्क कर रहा होता है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसका उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको उसकी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। और जब एक बार काम किया उसकी वैल्यू नहीं मिली, दो बार काम किया उसकी वैल्यू नहीं मिली, फिर तीसरी बार बंदा आपकी ही ऑफिस में बैठ के, आपकी ही कंपनी के अंदर बैठ के किसी और कंपनी को अपना रिज्यूम मेल करता है और वहां के लिए इंटरव्यू के लिए 2 या 3 दिन की छुट्टी लेकर चला जाता है, और वह इंटरव्यू फाइनल करने के बाद बिना बताए आपके वहां से जॉब को स्विच कर देता है। और तब ये सिलसिला होता है कि आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप सोचते हो कि अब मैं करूं क्या, कि बिना बताए चला गया। तो इन सभी चीजों का आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना जरूरी है, पॉलिसी बनाना जरूरी है कि आपके वहां कोई बंदा अगर आ रहा है तो आने की क्या पॉलिसी है, काम कर रहा है तो काम करने की क्या पॉलिसी है, काम से अगर वो जा रहा है तो जाने की क्या पॉलिसी है, काम बढ़िया नहीं कर पा रहा है तो उसके अगेन एक्शन लेने की क्या पॉलिसी है। मतलब हर चीजों की पॉलिसी जब आप बिल्ड करोगे, तो उस पॉलिसी के अंदर ये चीज होगी कि आपके वहां काम करने वाले बंदे को उसकी वैल्यू मिलेगी, और जो नहीं कर रहा है तो उसके सामने आप एक्शन ले पाओगे। उसके बाद एक चीज आपको करने की जरूरत सेकंड रहेगी कि आपकी हायरार्की जब आप कर रहे हो तो स्पेसिफिक आपको करना है कि उनका गोल क्या है, और उसके गोल के सामने आपको लेना है एक कमिटमेंट। जैसे कि इन चीजों की प्रैक्टिस हम खुद करते हैं कि कोई भी नया टीम मेंबर जब हमारे साथ जुड़ता है, एक हफ्ता जब वो काम करने की प्रैक्टिस कर लेता है, फिर मेरी खुद की 1-to-1 मीटिंग उनके साथ होती है और वहां पर हम जानना ये करते हैं कि उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल क्या है आने वाले 5 साल के। वो जान लेने के बाद उनको एक कमिटमेंट हम यहां पर करते हैं कि आपने अगर आपकी जिंदगी के 5 साल अगर अपने गुरुकुल को दे दिए, तो आपके जो गोल है पर्सनल एंड प्रोफेशनल, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी गुरुकुल लेगा। और ये चीजें जब लोगों को बताई जाती है तो पहली बार उनको ये फील होना शुरू होता है कि ये कंपनी खाली अपने गोल के लिए काम नहीं कर रही है, अपने विजन के लिए काम करने नहीं रही है और अपने आप के लिए काम कर नहीं रही है, ये मेरे लिए भी कुछ सोच रही है। और ये फीलिंग जब किसी पर्सन को जब आप देते हो और उसके गोल को डिफाइन करते हो, क्लियर करते हो, क्योंकि कई लोगों को जब हम 1-to-1 मिलते हैं वो डर जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनकी जिंदगी का गोल क्या है, और कभी ऐसा सवाल भी उनको किसी ने पूछा नहीं होता है या ऐसी चीजों की प्रैक्टिस भी कभी नहीं की होती है। आप तो ऑनर हो, आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं, आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपने तो अपने गोल बनाए हुए ही होते हैं और आपको तो अपने गोल कैसे पूरे कर रहे हैं वो पता ही होता है, लेकिन आपको एक स्टेप आगे जाना है और ये करना है, आपको अपने टीम के गोल को प्लान करना है और टीम के गोल बनाने के बाद उसको कमिटमेंट में लेना है। और वो कमिटमेंट जब आप लेते हो और एक कमिटमेंट के साथ जब आप किसी के साथ काम करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करेगा।
और आज हमारी टीम के अंदर ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनको 5-5 साल हो गए हैं, 5-5 साल से हमारी कंपनी के अंदर वो जुड़े हुए हैं और ये 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा ऑफर्स उनको मिले हुए हैं, और 50 से ज्यादा ऑफर उनको ऐसे मिले हुए हैं कि जितनी सैलरी आज हम उनको दे रहे हैं उससे ज्यादा सैलरी उनको मार्केट के अंदर लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो वहां जाने का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इमोशन जुड़ा हुआ है, और आज वो कंपनी को, गुरुकुल कंपनी को ऐसा नहीं समझते हैं कि ये हमारे लीडर्स की कंपनी है, वो ऐसा समझते हैं कि ये कंपनी मेरी है, इसके गोल जो है वो मुझे अचीव करने हैं क्योंकि उससे मेरे गोल जुड़े हुए हैं। और इन चीजों की प्रैक्टिस अब आपको करने की आवश्यकता है। आगे और बात करते हैं कि अब हमें ये चीज करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ऑन प्रोसेस। जिस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक बात बताई और बीच में हमारी इन चीजों के ऊपर दिक्कत हुई और डिस्कशन जो हमने किया कि कई बार होता यह है कि आपने कभी भी केपीआई की प्रैक्टिस की नहीं होती है, आपने लोगों से फीडबैक लिया हुआ नहीं होता है, आपको अपनी टीम ने क्या परफॉर्म किया है उसका स्कोर बोर्ड आपने दिया हुआ नहीं होता है, तो ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं तो मेरा बेस्ट ही दे रहा हूं, मैं तो मेरा 100% ही दे रहा हूं, और मैं अगर मेरा 100% दे रहा हूं मतलब क्या बताए, मैं मेरा 100% टाइम दे रहा हूं, मैं मेरा 100% समय दे रहा हूं और उसका रिटर्न में मुझे सैलरी तो मिलना ही चाहिए। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए, उनको भी अपना आईना दिखाने के लिए आपको करना यह है कि हफ्ते के अंदर जब आपकी वीकली मीटिंग होती है और जब आप ये हफ्ते की प्रैक्टिस करने के बाद मंथली मीटिंग जब आप करते हो, तो मंथली मीटिंग करने के टाइम पर 1-to-1 सबके साथ आपको बैठना है, और वो 1-to-1 के अंदर आपको करना ये है, हर बंदे को अपना पीएमएस का रिपोर्ट उसको देना है, और वो पीएमएस का रिपोर्ट के अंदर उसको ये बताना है कि आपका ये परफॉर्मेंस है जहां पर आप ये अच्छा काम कर पा रहे हो, आपका ये नॉन परफॉर्म है जहां पर अभी तक आपने काम किया नहीं है, तो आपको अपने अंदर इन चीजों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे एंड ऑफ द ईयर आप अपने स्कोर को और बेहतर तरीके से ग्रो कर पाओगे। और ये सारी चीजों की बातचीत जब 1-to-1 होती है तो ज्यादातर लोग अपने प्रॉब्लम आपको शेयर कर पाते हैं कि कोई काम अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं या जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है। और हमने इन चीजों की प्रैक्टिस की हुई है और हम जब लोगों के साथ मिलते हैं तो ज्यादातर मामलों में पता ये होता है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि कंपनी की आगे की क्या रणनीति है, कंपनी की आगे की क्या स्ट्रेटजी है, कंपनी ने आगे का क्या प्लान किया होता है। उनको खाली उतना ही बता दिया गया होता है, आपको ये काम करना है और इसकी ये तनख्वाह आपको मिलती है, दैट्स इट, उससे आगे कुछ नहीं। तो आपके केस के अंदर अब आपको करना ये है कि आपके इंडिविजुअल गोल्स तो आपको अचीव करने ही है, लेकिन आज ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आज ही के दिन में आपको आपकी टीम में चाहे एक बंदा हो, चाहे दो बंदे हो, चाहे पांच हो, चाहे 10 हो, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हो, उन सभी लोगों के साथ आपको 15-20 मिनट का टाइम निकालकर बैठना है, उनकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है और वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे उसकी वजह उनको पूछना है, और फिर एज अ मेंटोर आपको उनके गोल कैसे अचीव हो सके उसकी गाइडलाइन उनको देनी है, वो अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन उनको देना है, और उनको ये चीज बतानी है कि हम जिस विजन को अचीव करना चाहते हैं वहां पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे आपका चाहिए, और आप अगर मुझे वो सपोर्ट दोगे तो डेफिनेटली हम मिलकर ये गोल को अचीव करेंगे, और ये गोल जब हमारा अचीव हो जाएगा आप भी अपने लेवल पर एक अच्छा ग्रोथ कर लोगे, कंपनी भी अपने लेवल पर एक अच्छा ग्रोथ करेगी, और हमारे वहां एक ऐसा एटमोस्फियर हम क्रिएट करेंगे कि सब लोग ग्रो करेंगे, और ये करने की जवाबदारी एज अ लीडर वो आपकी है। सो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन की, पिछले 1 घंटे से हम ये सारी चीजों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें जो मेरे अंदर मैंने प्रैक्टिस की हुई थी उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर आगे जाने वाले हैं और Q&A हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स के सेशन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार
हम Q&A क्वेश्चन के अंदर हम जाए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ये सारी चीजों को जो आज हमने देखा हुआ है इन चीजों के ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, सबसे ज्यादा फोकस करें और आप अपना बेस्ट वर्जन यहां से बाहर निकालें, क्योंकि चार चीजों के ऊपर हमने बात की हुई है जिसमें सबसे पहले हमने देखा हुआ है कि एज अ बिजनेसमैन एम्प्लॉय के मैनेजमेंट को लेकर कुछ मिथ्स हमारे बने हुए हैं, कुछ तथ्य हमने बनाया हुआ है, कुछ ऐसी सोच बनाई हुई है जिसको ब्रेक करने की जरूरत है। सेकंड, आपकी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है, आपकी टीम अगर अकाउंटेबल होकर काम नहीं कर रही है तो उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर हमने बात की। टीम बिल्डिंग कैसे करना है उसके ऊपर हमने बात की, और हायरिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने बात की। तो अब वन बाय वन हम सभी लोगों को टर्न देने वाले हैं। आज के पूरे सेशन के अंदर जो जो चीजें आपने सीखी उसमें से कौन सी तीन की लर्निंग आपके लिए सबसे बड़ा मेजर लर्निंग रहा वो आप लोगों को मेरे साथ शेयर करना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपको क्या पर्सनल लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन ये सेशन के अंदर हम कंडक्ट नहीं कर पाए लेकिन आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं, तो उसका क्विक सॉल्यूशन अगर मैं दे सकूं तो मैं यहां पर देने का प्रयास करूंगा। तो अब हम Q&A की तरह आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर्स के लिए जाते हैं। यस, पहले तो थैंक यू सो मच, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये पूरे सेशन को कंडक्ट मैंने जो किया और एक घंटा जो यहाँ पर मैंने बातचीत की, आपने इतने आराम से और इतने टाइम लेकर आपने ये पूरे सेशन को कंडक्ट किया। अब वन बाय वन आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हो और मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हो कोई भी चीज को लेकर। यस, सबसे पहले कौन आने वाला है, और वन बाय वन आएंगे, सबको ही मौका दिया जाएगा। आधा घंटा अपना Q&A चलने वाला है, तो सभी को धन्यवाद। यस, कल्पेश ठक्कर जी, ओके, मीटिंग के लिए ज्वाइंट होना चाहते हैं आप, कनेक्ट कर लीजिए। और अभी कोई भी एक पर्सन अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकता है और अपने बातचीत कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये पूरे सेशन को कंडक्ट करने के लिए जो हमारी टीम में से जो सपोर्टर हमारे साथ हैं उनमें से वो बारी बारी से सबको टर्न दे, क्योंकि एडमिन पैनल आप हैंडल कर रहे हो, तो आप वहां से लोगों को हेल्प करके वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी कीजिए। यस, पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ये सेशन को कंडक्ट किया उसके कारण, और ये अच्छी तरीके से हमने पूरे सेशन को कंडक्ट किया है उसके कारण। अब बारी बारी से मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कीजिए, आप अपने क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए, मैं आपको आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ, जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है या जो भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा है। मेहुल जी प्लीज वन बाय वन सबका टर्न आने दीजिए, और टीम मेंबर में से भी जितने लोग जुड़े हैं उसमें से भी कोई क्वेश्चन आंसर्स करना चाहता है तो बकायदा वो भी कर सकता है। यस, एनी क्वेश्चंस आप अपना हैंड रेस करके आप चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, तो उसका माइक जो है वो पहले टर्न के अंदर हम लेकर आएंगे और बारी बारी से सभी लोगों को टर्न दिया जाएगा। यस, फीडबैक के लिए अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। कौन आ रहा है पहले, मेहुल जी, मेहुल जी, जी सर, क्वेश्चन आंसर्स के लिए वन बाय वन सबको टर्न दीजिए।
ओके यस, एक लीडर जो है वो शुरुआत करता है, आगाज करता है। कौन है लीडर, कौन सबसे पहले स्टार्ट करेगा? सर, गुड मॉर्निंग यस, गुड मॉर्निंग पीयूष जी। सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरी कंपनी में मैं हाई स्किल एम्प्लॉय को हायर करना चाहूँ ओके तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना होगी? ओके ओके सर, कितने साल से आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं? पिछले 2 साल से। 2 साल से। और अभी तक आपके वहां हायर सैलरी वाला पर्सन कौन सा है जिसको आपने अभी तक लिया हुआ है? सर डीपीएम है, ओके डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, 60,000 उनकी सैलरी। ओके। और अभी आप जो हायर पर्सन को लेना लेकर आना चाहते हो, वो कैसे पर्सन को लाना चाहोगे? सर उनके ऊपर लाना चाहता हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर आप कि लेकर आना चाहते हो। हाँ जी। और अभी अगर आपके वहां नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब आप खुद शायद वो रोल के अंदर अभी आप हो गए। हाँ सर, वो चीज मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ। डेफिनेटली सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जो हायर पर्सन आपको लेकर आना है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी जो प्लान करनी है, वो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये प्लानिंग करना है कि पहले तो आपको एक बेहतरीन तरीके से एक प्रोफाइल तैयार करनी है, एक इनविटेशन तैयार करना है जहां पर आप जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी कर सको। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल पर्सन अगर आपके साथ जुड़ना चाहेगा तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ेगा। और आपका आईटी से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपका क्या बिजनेस है? सर मेरा कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन का है। ओके। यस मतलब उस लेवल पर जब आपको प्रोफेशनल बंदे अगर आपको चाहिए तो आपको करना ये पड़ेगा कि लिंक्डइन करके एक प्रोफाइल है जहां पर आप अपने ये पोस्ट जो है वो वहां पर आप लेकर जा सकते हो। जी ऑनलाइन के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो वहां पर डाल सकते हो। वहां से आपको प्रोफेशनल लोग आपको कनेक्ट करेंगे। मतलब ट्रेडिशनल तरीका जो है उसको छोड़ देना है और थोड़ा प्रोफेशनल तरीका आपको अपनाना है। और ये प्रोफेशनल तरीके के अंदर सबसे पहले आप किसी भी बंदे का रिज्यूम जब आपके पास आता है तो आपको उसका स्कैनिंग करना पड़ेगा। और स्कैनिंग करके आपको सबसे पहले उनकी जॉब प्रोफाइल तैयार करनी पड़ेगी जिसको जीडी और केआरए कहा जाता है। और उस जॉब प्रोफाइल के साथ अगर उनकी प्रोफाइल मैच हो रही है तो पहला इंटरव्यू या तो आप टेलीफोनिक ले सकते हो, या तो गूगल मीट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। और सेकंड पार्ट के अंदर आपके वहां अगर एचआर है तो एचआर से आप मिलवा सकते हो, और नहीं है तो आपको खुद को उसका इंटरव्यू लेना है। और आप खुद जब उनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हो तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स पहले से रेडी करके रखने हैं। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद उनको जब आप कोई भी प्रोफाइल जो देने वाले हो, प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल अगर आप देने वाले हो, तो उस प्रोफाइल के ऊपर उनसे क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारा रिटर्न में आपको लेकर रखना है। और फिर आपको करना ये है कि उनका टाइम टू टाइम आपको पीएमएस मेंटेन करना है, परफॉर्मर मेंटेन करना है, और टाइम टू टाइम उनको गाइड करना है। और वो करने के लिए या तो आप खुद कैपेबल हो तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारी कंपनियां, गुरुकुल जैसी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जिनका काम ही ये है, तो उनकी गाइडलाइन भी आप ले सकते हो और हम साथ में मिलकर भी ये चीज कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। और मैं कनेक्ट करता हूँ फिर आपसे मीटिंग के बाद। डेफिनेटली। और आज की मीटिंग सर कैसे रही आपके लिए, वो थोड़ा फीडबैक दे दीजिए। सर बहुत बढ़िया रही, सीखने को बहुत कुछ मिला इस ओके मीटिंग से। जैसे कि ओके आपने ऑप्शन स्टार्टिंग में बताए थे मिथ, उसके बाद टीम बिल्डिंग के बारे में, फिर आपको हायरिंग कैसे करना है, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी, प्रोवाइड अपडेट एंड प्रोग्रेस कैसे करना है आपकी, ओके ओके ये चीज। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा कि आपने ये सेशन को अटेंड किया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया उसके लिए। धन्यवाद।